हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम लोग आपके मंडे के अपकमिंग एग्जाम के लिए इग्नू एमए सोशियोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। मंडे यू गाइस आर हैविंग एग्जाम ऑफ एमएसओ 2 रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड्स। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। नाउ हम लोग एक और यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है जिसमें सारी वीडियोज अवेलेबल है। ये वीडियोज भी जो मैंने अपलोड करी है आई विल ऐड इट इन द प्लेलिस्ट। यहाँ पे आपके पास टॉपिक है, देखिए थ्योरेटिकल एनालिसिस को लेके है। अब थ्योरेटिकल एनालिसिस में एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है इवोल्यूशनरी थ्योरी और फंक्शनलिस्ट को लिंक करके, राइट। तो इस वीडियो में भी वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल कि इवोल्यूशनरी थ्योरी एग्जैक्टली क्या बात करती है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट फंक्शनलिस्ट थ्योरी। तो ये दो जो क्वेश्चन है ये बैक टू बैक मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी थ्योरी की पहले हम लोग बात करते हैं। तो तीन टाइप की थ्योरी एज यू कैन सी, एक होती है इवोल्यूशनरी थ्योरी, एक फंक्शनलिस्ट, देन कॉन्फ्लिक्ट। इवोल्यूशनरी थ्योरी किसी चीज का इवॉल्व होना, कोई चीज इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक एडवांसमेंट आ रही है, चीजें चेंज हो रही है। लाइक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इवॉल्व हुआ। अब जब ह्यूमन बीइंग फिजिकल स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ते हो ना, जो हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं वो सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है इवॉल्व हुआ और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें अडेप्ट कर पाया, उसमें सर्वाइव कर पाया, जो फिट था वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाया एंड दोज जो फिट नहीं बैठ पाए वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। तो इसी चीज को जब हम सोशियोलॉजी की स्टडी में पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है, वो कंसेप्ट यहाँ पे हमारे लिए मेंशन किया गया है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम सिंपल बिगिनिंग टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पहले चीजें सिंप्लीफाई थी, लोग बेसिक सी लाइफस्टाइल जी रहे थे, बहुत ज्यादा हेटरोजेनिटी नहीं थी चीजों को लेके, बहुत ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा नीड्स नहीं थी लोगों की, तो थिंग सिंपल थी। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें कॉम्प्लेक्स लेवल तक चेंज हुई। फिर अगस्त कॉम्प्टे जो है हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वो बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन सोसाइटी है दैट इवॉल्व इन अ यूनिलीनियर वे। यूनिलीनियर मतलब यूनि मतलब सिंगल, एक ही पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, एक ही लाइन ऑफ डेवलपमेंट में आपकी जो सोसाइटी है वो क्या हुई है, वो इवॉल्व हुई है। इनके अकॉर्डिंग टू देम सोशल चेंज मीन्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग बेटर। आप सोशल चेंज आ रहा है तो चेंज का मतलब क्या है, चेंज क्यों लाते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू चेंज द बैड इन द सोसाइटी। वी वॉन्ट टू चेंज जो चीज फिट नहीं है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, उसे चेंज करना चाहते हैं। देन सोशल चेंज का मतलब क्या है, चेंज फॉर समथिंग बेटरमेंट, चेंज फॉर द बेटरमेंट। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ ग्रोथ, एंड ग्रोथ होनी चाहिए प्लस स्टेज बाय स्टेज, मतलब लेवल बाय लेवल एडवांसमेंट होनी चाहिए। बायपेडल बना इंसान, ब्रेन का साइज बड़ा, ऑल दीज आर द फिजिकल थिंग जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में किस तरीके से सोसाइटी एडवांस हुई है, सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस सीखी है, सोशल एवल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हुए हैं, सो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसमें ही फर्दर बात करें तो दिस इवोल्यूशनरी व्यू वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वो जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मेनी पीपल आर्ग्यूड दैट सोसाइटी मस्ट हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस में गई है। ठीक है, प्रिमिटिव से एडवांस लेवल पे गई है। अभी सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की बात भी करेंगे चार्ल्स डार्विन की। वो क्या कहते थे कि जो पर्सन फिट है, फिट मतलब ये नहीं बॉडी है और पैक्स है और ये सब, ये नहीं चीजें है। फिट मतलब जो चीजों को अडेप्ट कर सकता है, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जो उसमें फिट बैठ सकता है, ओनली दैट पर्सन विल सर्वाइव। अब नेचर है, आप क्या खा रहे हो, पहले तो कुछ पका के खाते नहीं थे, नॉर्मल चीजें लेके आप डायरेक्ट फॉरेस्ट से ईट कर रहे थे, हंटर एंड गैदरर पीपल थे, तो जो सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर पाए, फिट रह पाए, देन वो पर्सन क्या करे, वो पर्सन सर्वाइव कर गए। इसी तरीके से सोसाइटी है, जो चेंज अडेप्ट कर पाएगा वही आज के समय में जी पाएगा, वरना जो चेंज अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स चीजों में जी रहे हैं आज भी, तो वो लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो फिर धीरे धीरे बहुत पीछे छूटते जाएंगे सोसाइटी में, सोसाइटी के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज है। अब इसमें कुछ कुछ पर्सन के नाम मेंशन है, एलएच मॉर्गन, इतना ही लिख देना, एलएच मॉर्गन ने, सो एलएच मॉर्गन ने तीन बेसिक स्टेजेस क्या बताई हैं, सेवेजरी, बाबिज्म एंड सिविलाइजेशन। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो डिटेल आपने देखी होगी तो वहां समझाया था, बट इतना ही नाम लिख देगा दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, फिर अगस्त कॉम्प्टे ने तीन स्टेजेस मेंशन किए, ये भी मैं मल्टीपल वीडियोस में एमएसओ 1 वगैरह में अलग अलग बार पढ़ा चुकी हूँ, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक। पहले लोग सारी चीजों को भगवान से लिंक करते थे, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू गॉड एंड दिस, देन फिर नेचर से लिंक करने लगे, देन धीरे धीरे लोगों ने सोचना समझने की शक्ति जब लोगों में डेवलप हुई, पहले नेचर पे आए थे, जब सोचा कि सब कुछ तो गॉड के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकती है चीजें, तो नेचर पे आए, एंड देन जब और ज्यादा चीजें साइंटिफिक टेम्परमेंट लोगों में आने लगी, तो वहां पे फिर साइंटिफिक अप्रोच हमें इंडस्ट्रियल वाला पार्ट जो था वो देखने को मिला। इसी तरीके से सोशियोलॉजी का भी तो
एज अ सब्जेक्ट रिवोल्यूशन हुआ है जो हमने देखा है। फिर आगे बात करते हैं हार्बर्ट स्पेंसर की। हार्बर्ट स्पेंसर जो कि एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी ये बोला कि सोसाइटी अपने आप में खुद एक ऑर्गेनिज्म है। जिस तरीके से आपकी चार्ल्स डार्विन ने ऑर्गेनिक थ्योरी का इवोल्यूशन की बात की थी वहां पे, तो उसी तरीके से आपकी जो सोसाइटी इट इज एन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया डार्विन का सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का प्रिंसिपल ह्यूमन सोसाइटी पे। बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये चीज इतना ही लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। द सोसाइटी दैट विल बी फिट, जो फिट रहेगी वो सर्वाइव करेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप एक दो लाइन ये और लिख सकते हो, क्योंकि ये और फंक्शनलिस्ट मिक्स होके आने वाला है, तो जरूरी नहीं है आपकी 20 नंबर के हिसाब से इसी को प्रिपेयर करना है। हम दोनों के बेसिस देखेंगे। अब अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट का नाम हम यूज कर रहे हैं, देखो एलिस मॉर्गन का नाम यूज करा, अगस्त कॉम्टे का यूज करा इवोल्यूशन में, देन हर्बर्ट स्पेंसर का यूज करा, अब एमिली डर्किन की बात करेंगे, तो यही आपके आंसर में लगाएगा चार चांद। दिस विल गिव यू द चांस कि आप स्कोर बेटर स्कोर कर पाओगे। और ये सब कब लिख पाओगे, जब पहले से प्रिपेयर करके गए हो। वहां अचानक सोचोगे तुक्का मार के बना के नहीं लिख पाओगे, बस इतना लिख पाओगे इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे, इंसान बना, ये हुआ वो हुआ, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अवर सब्जेक्ट इज सोशियोलॉजी, वी नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट एंड थिंकर्स इन दिस, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात की गई एमिली डर्किन की। एमिली डर्किन ने बोला यस बिल्कुल सोसाइटी में चेंज आ रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मैकेनिक सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ मूव हो रहा है। नाउ व्हाट इज मैकेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, वो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं कि पहले सोसाइटी में क्या होता था, बहुत ज्यादा जो आपके सोशल स्ट्रक्चर होते थे दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड, बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं था, होमोजेनिटी थी, मतलब हमें होमोजेनिटी देखने को मिलती थी, एक रूपता, एक जैसी चीजें काफी हद तक होती थी। लेकिन एज द टाइम पासेस, एडवांसमेंट आया, डेवलपमेंट आया, तो हमें हेट्रोजेनिटी दिख रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, तो चलो पहले भी था बहुत ज्यादा कास्टिज्म, जेंडर, रिलीजन की बात करो, ग्रुपिज्म की बात करो, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप सोसाइटी में डिवाइड हो गए, तो आज की डेट में हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा है। प्लस पहले डिवीजन ऑफ वर्क उतना नहीं था, डिवीजन ऑफ वर्क की डिसेंट्रलाइजेशन, काम आगे करवाना है, ये चीज इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज की सोसाइटी में बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, तो साइंटिफिक सोसाइटी है, तो डिवीजन ऑफ वर्क हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो हेयर एमिली डर्किन फोकस अबाउट द कि किस तरीके से मैकेनिक सॉलिडारिटी से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में। क्लियर? सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी, इफ इट कम इन द एग्जामिनेशन, कुछ कुछ कंटेंट होना चाहिए माइंड में, एंड आई थिंक दिस इज द इनफ कंटेंट कि अगर आप इसे थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे तो यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। यस ऑफ कोर्स 20 मार्क्स में दिस इज नॉट ओनली द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क, फंक्शनलिस्ट थ्योरी को मिक्स करके पूछेगा, तो उसको हम लोग किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप वीडियो हेल्प कर रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कंटेंट। कुछ वीडियोस थी बट यू गाइज रिक्वेस्टेड कि कुछ वीडियोस और क्रिएट किए जाए, एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म कि इस बार बिल्कुल भी प्लान नहीं था वीडियो बनाने का ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में ऑक्यूपाइड होने की वजह से। लेकिन फिर भी आप लोगों के मैसेज और आप लोगों के कमेंट देख के आई वॉज फोर्स्ड टू मेक द वीडियोज, मतलब सीरियसली दिस टाइम वीडियो का अपनी तरफ से प्लानिंग नहीं थी, बट जैसे जैसे फील आता है एग्जाम आ रहा है, फिर आप में से एक दो बच्चों का भी अगर मुझे कमेंट दिख जाता है तो वैस लाइक कि यार कोशिश करके बना देनी चाहिए वीडियो। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, योर कमेंट्स, योर मैसेजेस। सो ठीक है, कोशिश करते हैं और कंटेंट और वीडियोज आप लोगों तक पहुंचाने की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।